माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी सदस्यगण, सत्रहवीं लोकसभा के इस सत्र के साथ लोकसभा का आज समापन हो रहा है। सत्रहवीं लोकसभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन, दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला, यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा अस्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित पवित्र सिंगोल, न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीति शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सहयोग से, आपके सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत बातें हमें प्रेरणा स्वरूप बताई। हमारे लिए ये पल ऐतिहासिक पल रहेगा, अद्भुत भी रहेगा और हमारी जिंदगी में लोकतंत्र की इस यात्रा के लिए हमेशा स्मृतिपूर्ण वाला ये काल हमारे लिए रहेगा। इस 5 वर्ष के अंदर जनता के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। यहाँ अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, देश के मुद्दे भी उठाए और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली बार शून्यकाल जैसे विषय का सकारात्मक उत्तर देकर एक नई परंपरा भी स्थापित की। माननीय सदस्यगण, मुझे 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए भी ये 5 वर्ष जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और अस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो बल मैंने गुजारे हैं वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बड़ी उच्च परंपरा परपाटियाँ रही है, इस सदन की प्रतिष्ठा भी रही है। मुझसे पूर्व यहाँ बैठने वाले हमारे पूर्वती अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को बढ़ाया है। मैंने भी प्रयास किया है कि सभी दलों के नेताओं के सहयोग से इस पद की गरिमा भी और इस संस्था की सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनी रहे, और इसके लिए आपका सहयोग भी रहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सत्रहवीं लोकसभा कई कार्य काल के लिए, सत्रहवीं लोकसभा कार्यकाल कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने कोशिश की, मैं सदन के लिए दूसरी बार का ही माननीय सदस्य था, मेरा कोई लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन आप सबका सहयोग मिला और पहले सत्र में ही बिना व्यवधान के सदन की प्रोडक्टिविटी भी रही और सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से नए आने वाले और पुराने भी, सभी माननीय 540 सदस्यों ने सत्र के पहले सत्र में ही अपनी भागीदारी निभाई,
अपने विचार व्यक्त किए, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि रहेगी। माननीय सदस्यगण, नए संसद भवन की आवश्यकता बहुत दिनों से लोग चर्चा करते थे, मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी इसके लिए प्रयास किया, मैंने और सभी सदन के ने सदन के सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नए भवन बनाने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे दोनों सदनों के आग्रह को स्वीकार किया और इसके निर्माण की स्वीकृति की। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व और उनकी अद्भुत कार्यशैली और हमारे श्रमवीरों जिन्होंने कोविड के समय भी जो अथक प्रयास किए, उसके कारण हमारा नया संसद भवन 2 वर्ष 5 महीने की अल्प अवधि में पूरा हुआ। माननीय सदस्यगण, ये कालखंड हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौती हमारे सामने थी। हमें हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाना था, देश की जनता सुरक्षित रहे उसके कल्याण में, उनके सहयोग में हम हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाएं। मैं आज यह कह सकता हूं कि सभी माननीय सदस्य उस चुनौतियों के समय भी देर रात नहीं कर बैठकर उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया और 167% प्रोडक्टिविटी रही। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना काल गंभीर था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने देश की जनता की भी चिंता की और अपने एक एक माननीय सदस्यों की भी चिंता की।